थैंक यू। हाँ मैं आपके वीडियोस 11th स्टैंडर्ड से देखता था। हाँ सो एक्चुअली बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ था 11th स्टैंडर्ड से देखता था, तो 10th तक तो लड़के से बात भी नहीं होती थी क्योंकि क्वालिटी भी नहीं थी। तो 11th से देखता तो 12th में देखता, फिर 12th में मैं फेल हो गया। तो झटका लगा कि कॉन्फिडेंस बहुत था, मतलब क्वालिटी गर्ल्स जो होती है वो चाहिए होती है, कि सबकी अपनी अपनी क्वालिटी होती है क्या होता है। तो मैं फेल हो गया, फिर बहुत डाउन चला गया, जैसे वो बंदे ने बोला जाते हैं सब। अच्छा है, तो डाउन जाके ये समझ में आया, अभी अभी मैंने पास आउट किया जस्ट 3 महीने पहले, तो डाउन जाके ये समझ में आता है कि हम वो जो डाउन फॉल से होते हैं ना, क्या था बंदी तो क्वालिटी चाहिए होती है, क्वालिटी चाहिए थी, तो क्वालिटी तो अभी खैर मैं 50 क्वालिटी से अभी मैं वो बात करता हूँ, मतलब इतनी क्वालिटी आप आपकी वीडियोस देख के मैं गर्ल्स लाइक प्रोटीन शेक, प्रोटीन शेक हुआ आपकी लाइफ नहीं है, जो आपकी लाइफ है वो काम बंदे ने काम किया अपने ऊपर, तो मेन पर्पस जो होना चाहिए लाइफ का वो अपना काम होना चाहिए, बाकी लड़कियां तो वैसे भी आती जाती है वो तो, बाकी जो फिर जो फिट लड़कियां होती है जो बहुत हाई लेवल की होती है, जो जिसको 500 लौंडे मैसेज, सुनो गाइस, हां उसको 500 लौंडे मैसेज करते हैं, तो उसमें से हटके कैसे निकले, फिर वो वहाँ पे बात आती है कि क्या बोलते हैं कि दिखाओ तुम्हारे पास भी लड़कियां हैं फोटो में क्लब में, जैसे बॉम्बे से खींचते हैं फोटो, अबंडेंस, अबंडेंस दिखाओ, तो वो सब तो ठीक है, पर मेन पर्पस क्या होना चाहिए लाइफ का, कि सिर्फ गर्लफ्रेंड्स और हुकअप्स का ही कल्चर है, प्यार आज अट्रैक्शन होता है, कल शादी भी हो गई, सबसे अच्छा बंदा उसको मिलेगा, करके निकल जाएगा। देख तेरे जो सवाल थे या पहले जो तूने एक्सपीरियंस शेयर किया, तेरी एनालॉजी प्रोटीन शेक वाली वर्सेस जो दूसरी तरफ तूने सवाल पूछा, दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, क्योंकि एक तरफ पे तूने दिखाया कि यू हैव ओवरकम दिस नीड के यू नो होना चाहिए फीमेल कंपेनियनशिप वगैरह, ऑन दी अदर हैंड यू आर आस्किंग कि मैं अब हाई क्वालिटी या हाई वैल्यू वाली गर्ल्स को कैसे अट्रैक्ट करूँ। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बी ऑन वन साइड, लाइक किल योर, इफ देर इज स्टिल दिस डिजायर विद इन यू सम हाउ kill it completely, like if you have killed it partially, kill it completely. Not a needy or creepy. Huh? Not a needy or creepy thing. Haan, not a needy or creepy thing. And दूसरी चीज जो मैं बोल रहा हूँ कि about the kind of girls you are saying कि how to attract those kind of this thing. You are young. तेरे में most probably वो desire क्यों आ रही है, तेरी ego को satisfy करने के लिए, कि अगर मेरे पास वैसी type की girlfriend हो तो मैं मतलब बन गया टशन वाला, बंदे भी सोचे कि मैं cool हूँ ये हूँ, तो वो एक ego, मैं समझ सकता हूँ क्यों आ रही है वो desire. But you need to understand that it's not necessary that that girl would be a girl of substance. That might be a nice person. It's not necessary. There is a yesterday night only I was getting this. मेरे को जैसे ही ख्याल आता है मैं या तो वीडियो बनाता हूँ या लिखता हूँ, because you see Instagram पे फोटो से ज़्यादा तो मैं लिखता हूँ. तो I was writing this only about के मैं explore section देख रहा था Instagram का, और मैं देख रहा था यार ये app क्या रगड़ा मार रही लोगों की, क्योंकि वो सिर्फ वहाँ पे औरतों को दिखाते हैं, मतलब उस वो कंपनी उसी मतलब पैसा ही उन्हीं के ऊपर बना रही है, और एंड ठीक है उन लड़कियों की भी गलती नहीं है, वो पैसा बना रही है अपना, ठीक है उनका करियर बन रहा है जो भी, तो दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, ये कुछ नहीं गलत कर रहे, लेकिन लोगों की साइकोलॉजी खराब हो रही है, क्योंकि लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हैं उसी से कंडीशन हो रहे हैं. तो व्हाट यू नीड टू रियलाइज इज फर्स्ट ऑफ ऑल दोज गर्ल्स माइट नॉट बी गर्ल्स हु आर एक्चुअली वर्थ इन्वेस्टिंग टाइम इन, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ऑलराइट, बिकॉज जिस तरह तूने बोला कि 500 गाइज माइट बी आफ्टर हर, तो शी नोज देन हाउ टू घुमाओ 500 गाइज ऑल्सो, ऑल राइट, सो यू वॉन्ट टू नॉट इन्वेस्ट योर एफर्ट्स इन अ प्लेस वेर यू माइट नॉट गेट जेन्युइन रिटर्न्स, ऑल राइट, देर माइट बी अ गर्ल इन योर नेबरहुड हु विल बी एन अमेजिंग पर्सन, शी माइट नॉट हैव एन इंस्टाग्राम प्रोफाइल विद 500K फॉलोअर्स और समथिंग लाइक दैट, बट शी माइट बी समवन हु विद हुम यू विल एक्सपीरियंस मोर हैप्पीनेस देन समवन लाइक दैट, ऑल राइट. सो एज आई सेड योर क्वेश्चन, your story started on one end and your question was about the other end, so I can understand that it's a question of ego for you, or it's a question of, you know, that I want to be someone who one day has a girlfriend like that. You've seen my profile and everything, you've seen the kind of girls I've dated, so I've gone there and I've come back, all right, and I'm not saying that everyone over there is like that, I'm not saying everyone every girl who's very successful or very popular online is going to be a bad person, I'm not saying that, but I'm saying that ultimately what do you want happiness na, or you want a sense of being completely yourself when you're with that other person. Now when you'll be with that kind of a girl,
तू पूरे टाइम एक्टिंग करेगा ऑफ नॉट बींग योर सेल्फ, ऑफ ट्राइंग टू शो कि तू भी कूल है, तू चाहे तेरे 500 के ना हो लेकिन तू वैसा टाइप का है, तेरे में स्टाइल है, तेरे में यू विल बी ट्राइंग फॉर ऑल दोज थिंग्स, यू वोंट बी योर सेल्फ. सो वैन यू वॉन्ट टू बी योर सेल्फ एंड वैन यू डू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग बींग योर सेल्फ, यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट अट्रैक्टिंग ऑल्सो ओनली दोज काइंड ऑफ पीपल हु आर बींग देमसेल्व्स. When you will be genuine, because right now your desire is not genuine. Your desire is not that I should have that kind of a girlfriend so that I can love her. That's not the question. The question is about because you have a ego and that thirst and desire that I want that kind of a girlfriend in my life. So that that is one check mark in my life ke yahan main ye bhi achieve kar chuka hu. Am I saying right or wrong? So understand where the desire is coming from and is it genuine or is it not? And if it is not genuine, there is no point to work at it. You think I'm not getting attention from females online? I am, but if I start letting my mind wander and going behind every female who I'm getting attention, how much time will I be wasting? Number one. Number two, how many of them are liking me for who I am genuinely? Most of them will like me because, okay, he's something on social media or he's this or he's that, whatever. So I'm not here to, you know, just go through people as if they are commodities, because people are not commodities. People are people. They're real human beings. Just like you wouldn't want your heart to be broken, you don't want to break someone else's heart. And you don't want to attach yourself to someone else's heart for a superficial reason. Make sense? All right.